पाहतो. भगवं वातावरण चारही बाजूला आपण पाहिलं तर भगव्या वातावरणात चालू असलेलं भगवा चषक 2022 पर्व पाचवं. आणि प्रशांत सर आपण बघितलं ना तर आकाशात उडतो पक्ष्यांचा थवा, आकाशात उडतो पक्ष्यांचा थवा आणि आवाशी गावात फक्त आणि फक्त शिवसेनेची हवा. जबरदस्त वातावरणात होणारी स्पर्धा आहे, अंतिम महामुकाबला. आणि सलामीची जोडी देखील मैदानात, अर्थातच स्ट्राईकवर योगेश पेंडकर, नॉनस्ट्राईकला आपण पाहिलं तर तुषार रणदिवे. सलामीचं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते प्रथमेश दर्जेदार गोलंदाज फलंदाज अष्टपैलू खेळाडू मित्रांनो. आणि या सामन्यासाठी पंच म्हणून आपण पाहिलं तर डान्सिंग पंच संदीप गायकवाड कर्जतचे दर्जेदार पंच आहेत. तदनंतर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं तर खेळचं टॅलेंट अर्थात तुषार मोरे स्क्वेअरलेग पंच म्हणून कामगिरी पाहत आहेत. अप्रतिम लढत आहे. व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर आदरणीय आपण पाहिलं तर चिपळूण शिवसेना जिल्हाध्यक्ष आदरणीय सचिन कदम सर यांचं देखील आगमन आहे. आणि या स्पर्धेचा विचार केला तर इतकी धमाकेदार सुरुवात झाली होती. क्रांती इलेव्हनच्या माध्यमातून प्रणयनं या स्पर्धेतलं पहिलं अर्धशतक झळकावलं होतं. तर मी विनंती करेन क्रांतीचा जो हा खेळाडू आहे तो आपला इथलाच लोकल टॅलेंट आहे आणि त्यानं खूप दमदार कामगिरी केली होती. या प्रणयसाठी एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करा. पहिलं अर्धशतक नोंदवणारा खेळाडू आहे. थँक्यू व्हेरी मच. आणि एकदा सर्वांचा आवाज येऊ द्या, सर्व मैदानामधनं आवाज येऊ द्या. आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गजर या ठिकाणी करणार आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गजर करून या ठिकाणी या ग्रँड फिनालेला सुरुवात करणार आहोत. तर आवाज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये घुमला पाहिजे, आवाज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये घुमला पाहिजे, कारण आता ग्रँड फिनाले सुरू होतोय. प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलाबस राजाधिराज योगीराज श्रीमंत योगी श्री श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. धन्यवाद. एका जबरदस्त घोषणेने सामन्याला सुरुवात होते. मित्रांनो जयघोष केला जातोय शिवाजी महाराजांचा, महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत. तदनंतर सामन्याला सुरुवात होते. प्रथमेश सज्ज होतोय स्ट्राईकला आपण पाहिलं तर योगेश पेंडकर, नॉन स्ट्राईकला तुषार रणदिवे आक्रमक फलंदाज आहे. तुषार आपण पाहिलं तर ह्या स्पर्धेत योग्यच्या बॅटमधून प्रत्येक सामन्यात धावा येताना पाहिलेत आपण. पहिला चेंडू प्रथमेश अटॅप, अर्धा विकेटचा मारा, आक्रमण करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू जातो एक्स्ट्रा कव्हरच्या पट्ट्यात, सुंदर क्षेत्ररक्षण आहे. नक्कीच एका धाव्याने मात्र खातं उघडतोय. योगेश पेंडकर स्ट्राईकवर असणार, अर्थातच तुषार रणदिवे. मित्रांनो यूट्यूबच्या माध्यमातून ह्या दोन दर्जेदार खेळाडूंचा खेळ सातत्यपूर्ण आपण पाहत असतो, परंतु ह्या खेळाडूंचा खेळ पाहण्याची संधी कुणी दिली असेल, अर्थातच आपल्या आवाशी गावामध्ये, तर भगवा चषक 2022 पहिल्या चेंडूवरती एक धाव येताना आपण पाहिले. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते प्रत्यमेश सीतामत्र, स्ट्राईकवर असणार आहे तुषार रणदिवे. पुढचा चेंडू राईट अर्ध विकेटचा मारा. ओ काय चेंडू आहे, भन्नाट वेगन टाकले चेंडू आहे, एसटी रक्षकाचा वेध घेणारा चेंडू आहे. अर्थातच काय अप्रतिम पाटा विकेट आहे मित्रांनो. पाटा विकेटवर तुम्ही लाईन आणि लेंथ तुमची चांगली असेल ना तर असे डॉट चेंडू येताना आपण पाहिलेत. पाटा विकेट म्हणजे मित्रांनो फलंदाजीसाठी नंदनवन म्हटलं जातं, परंतु इथे काही गोलंदाज असे आहेत वेगवान, त्यांनी ते अधिराज्य गाजवलं आहे. पुन्हा एकदा प्रथमेश सज्ज होतोय राईट अर्ध विकेटचा मारा असणार आहे. पंतांच्या डाव्या बाजूने सज्ज होतोय. ओ इथे पुन्हा एकदा शरीराचा वेध घेणारा चेंडू जोरदार अपील आहे. आणि यस पंचांचा निर्णय आपण पाहिला ना, अप्रतिम असं डिसिजन येतोय, कारण एक आगळी वेगळी अदा अर्थात डान्सिंग अंपायर संदीप गायकवाड यांची आपण पाहतोय. इथे मात्र लेगबाईच्या स्वरूपात एक धाव येते. स्थिती आपण पाहिली तर 6 षटकांच्या सामन्यामध्ये धावसंख्या होते अर्थात बिनपात 2. पुन्हा एकदा स्ट्राईकवर असणारा अर्थातच योगेश पेंडकर. पुन्हा एकदा सज्ज होते प्रथमेश. आतापर्यंत सुंदर गोलंदाजी आहे राईट अर्ध विकेटचा. पुढचा चेंडू ओ अत्यंत जबरदस्त गोलंदाजी आहे मित्रांनो. पण पाहिलं तर या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये ह्याच योगेश पेंडकरच्या बॅटमधून सातत्यपूर्ण धावा येताना आपण पाहिलेत, परंतु त्याला कोणी अंकुश त्याला लगाम कोणी लावला असेल तर अर्थातच TWJ ग्वाघर संघाचा एक दर्जेदार गोलंदाज प्रथमेशने. पुन्हा एकदा प्रथमेश फुलटॉस चेंडू आहे. इथे मात्र पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा घेत झाला. चेंडू जाते लॉंगॉनच्या दिशेने खणखणी दंदडीत चौकार. धन्यवाद धन्यवाद साहेब. सुरे सिक्युरिटीचे सागर कालेकर
तसेच समीर साळवी इथे उपस्थित आहेत, त्यांना विनंती आहे आपण कृपया व्यास पटेया। पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा प्रथमेश सज्जवतो, राईट ऑफ द विकेटचा मारा आहे, फुलटा चेंडू, बॅक टू बॅक दुसरा चौकार येताना आपण पाहतोय, बॅक टू बॅक योगेश पेंडकर आक्रमक होतोय, योगेश पेंडकर ऑन फायर। तर जशा प्रकारचं पंतांच्या माध्यमातून आपण मनोरंजन पाहतोय, दुसऱ्या बाजूला अर्थातच चिपळूणमध्ये ज्याने धमाका केलाय अर्थातच देवराज मिकी माऊस याच्या माध्यमातून देखील प्रत्येक स्पर्धेत असतो, कबड्डी स्पर्धा असू दे, क्रिकेट स्पर्धा असू दे, एक सार्वजनिक कार्यक्रम आपण देवराज मिकी माऊसला पाहतो, धन्यवाद त्याचं देखील हार्दिक स्वागत। नंतर आपण पाहिलं तर पहिलं षटक संपतंय, पहिल्या षटकडे समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावरती लागते ती अर्थात 9 धावा 10 धावा, पहिल्या 4 चेंडू होते पण फक्त आणि फक्त 2 धावा येताना पहिल्या, तदनंतर शेवटचे 2 चेंडू फुलटाच चेंडू होते आणि फुलटाच चेंडू योगेश पेंडकरला गिफ्ट होती, गिफ्टचा स्वीकार केला आणि 8 धावा देखील कुठल्या, चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल। पंच सज्ज होत आहेत, पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्ग सज्ज होत आहे, डावकुरा गोलंदाज मोनू यॉर्कर स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून दोन्ही संघांच्या शरीरावरती जे आकर्षक स्पोर्ट टी शर्ट पाठतो ना मित्रांनो, ते आमचं मित्र यॉर्कर स्पोर्ट्सचे मालक यांच्याकडून धन्यवाद, थँक्यू। इथं आपण पाहिलं तर माझ्यासोबत अभिजित जुदे समालोचन कक्षामध्ये, इथे मात्र सुंदर फटका आहे, लॉंग ऑफच्या फटक्यात तितकं दर्जेदार शक्ती नाही, अनलागून तो कार्पेट तसा फटका होता, इथं मात्र डॉट चेंडू आहे, दुसऱ्या षटकाची सुरुवात चांगली केली, डॉट चेंडूने सुरुवात केली कारण ब्लॉकरमधला चेंडू होता, यारकोट चेंडू होता, खोदून काढला होता अलॉंग द कार्पेट, परंतु क्षेत्ररक्षण कमालीचं आहे। पुन्हा एकदा मोनूत सज्ज होतं आहे आपल्या कोट्यातील पुढचा चेंडू हाताळण्यासाठी स्ट्राईकवर असणे, ह्यावेळी मात्र तुषार रणदिबे लेफ्ट टॅप ओव्हर द विकेटचा मारा आहे, सुंदर फटका, इथे मात्र गॅप शोधले अर्थात एक्स्ट्रा कव्हरच्या पट्ट्यात क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, सज्ज आहे, इथे मात्र चेंडू अडवला जातोय, धावसंख्या 1 वाढती स्थिती आपण पाहिली तर 1-1 विदाउट लॉस प्रोग्रेस नाऊ, सेकंड ओव्हर 11 धावा विनपात 11 षटक क्रमांक दुसरा आपण पाहतोय आणि अर्थातच म्हणून देखील चांगली सुरुवात केली, अशी सुरुवात पहिल्या षटकात देखील झाली होती मित्रांनो, परंतु शेवटच्या 2 चेंडूवरती आक्रमण करून ते षटक मोठं बनवलं होतं योगेश पेंडकरने, मॅन इन फॉर्म आहे, आक्रमक फलंदाज आहे आणि चौफेर फटकेबाज आहे, इथं पुन्हा मोनूसाठी कशा प्रकारचं आक्रमण असणार आहे मोनूकडून योगेशसाठी पाहूया, सज्ज होतो लेफ्ट ऑफ द विकेटचा मारा आहे, हो इथे मात्र फटका फसतोय, एक्स्ट्रारक्षक कोणत्याही प्रकारची चूक करत नाही, या फलंदाज बाद योगेश पेंडकर बॅक टू द पॅवेलियन, पहिला धक्का पहिला ब्रेक तो खेळाडू आहे, लाईव्हच्या माध्यमातून ही टीम जर आपण पाहिली ना ऑफिशियल टीम, येस मिक्सिंगसाठी मुद्दे, तदनंतर कॅमेरामन म्हणून फैज आणि अंबान म्हणून कामगिरी वाहतात, यांचं देखील हार्दिक थँक्यू। आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा सज्ज होतंय मोनू लेफ्ट टॅम ओव्हर द विकेटचा मारा असणार, ह्यावेळी मात्र मैदानाच्या मध्यमध्ये आक्रमक फलंदाज बबलू पाटील, क्रिकेटमधील एक मोठं नाव आहे मित्रांनो आक्रमक फलंदाज, पहिला चेंडू मोनूचा, हो इथे मात्र थोडंसं गोलंदाज आपला रनअप चुकतोय, पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्ग परत असताना इथे पण ज्यांनी ज्यांनी स्पॉन्सरशिप केले या स्पर्धेसाठी त्यांचा देखील नामोल्लेख ठेवणं नितांत गरजेचं आहे,
अर्थातच जी स्पर्धा आपण पाहतो मित्रांनो आजच्या सत्रात आजच्या स्पर्धेचं खास आकर्षण त्यांची आम्ही आतुरतेने वाट पाहत होतो. शिवसेना जिल्हाध्यक्ष सचिनभाई कदम विक्की नरळकर यांचं देखील आगमन आहे. पुन्हा एकदा मोर्नो पुढचा चेंडू लेफ्टॅम ओव्हर द विकेटचा मारा. ओ हो बबलू पाटीलच्या बॅटमधून निघालेला अप्रतिम उत्तुंग षटकार. मित्रांनो आपण पाहिलं बबलू पाटीलला रडार मध्ये चेंडू टाकणं म्हणजे एक धोक्याची घंटा आहे. घंटा वाजवली जाते प्रशांत. अप्रतिम फटका आहे. चेंडू आउट ऑफ द पार्क. सुंदर सुंदर फटका आहे. इथे आपण पाहिलं तर षटकाराने सुरुवात केली 17 धावसंख्या फटकारते लागते. अर्थात हे दुसरं षटक आहे. मेंटेटरी पॉवर प्लेचं दुसरं षटक आहे. पुन्हा एकदा सज्ज होत आहे डाव्या हाताचा गोलंदाज अर्थात बोलू लेफ्ट टाइम ओव्हर द विकेटचा मारा बबलूसाठी. अकुट्ट्यापर्यंत चेंडू होता. पुल करण्याचा प्रयत्न होता. प्रॉपर टायमिंग होत नाही आहे. इथं मात्र मिसफील्ड आहे. इथं मात्र मिसफील्ड होतं आहे. बबलूसारख्या फलंदाजाला पुन्हा एकदा स्ट्राईक मात्र मिळते. मित्रांनो क्रिकेटच्या पटल्यावरती स्ट्राईक देखील महत्त्वाचं असतं. इथं पण पाहिलं तर सुंदर रिंग बिटवीन द विकेट आहे. नो चेंडू आहे. पंचांचा निर्णय येतो की हा नो चेंडू आहे. म्हणजे या चेंडूवरती 3 धावा मिळत आहेत. और आपल्या बीच मैदान पर अगर देखे तो वो नो बॉल का इशारा हुआ है. उसके बाद में संदीप गायकवाड़ देखे देखे किस तरह से अब नो बॉल और उसके बाद में और एक इशारा करने वाले जब बल्लेबाज अपने जगह पर आएंगे. बहुत ही शानदार अंपायरिंग पूरे 3 दिन में रही है. नो बॉल है संदीप गायकवाड़ द्वारा. फ्री हिट फ्री हिट फ्री हिट दे घुमा के. यस जबरदस्त जबरदस्त कॉल केला जातो आहे. अर्थातच फ्री हिटचा चेंडू आहे. प्री हिट आणि पहा नीट कारण स्ट्राईकवर आहे बबलू पाटील. इथं आपण पाहिलं तर धावसंख्या 20 धावा धावसंख्या 20 आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा मनू सज्ज होतोय. लेफ्ट टाइम ओव्हर द विकेटचा मारा आहे. हो इथं मात्र पुन्हा एकदा फटका फसतोय. इथे मात्र स्वतःच्या फॉलो थ्रूमध्ये ओ झेल सुटला आहे. यस फ्री हिट हे मान्य आहे परंतु झेल जरी झाला असता तरी देखील आज एक ट्राय करणार केला होता परंतु जेल सुटे जीवदान मात्र मिळते कारण हा फ्रीचा चेंडू होता. आपण पाहिलं तर धावसंख्या 1 निवडते स्थिती होते. षटक क्रमांक 2 एक गडीबात 21 धावा. आणि इथे पण पाहिलं तर खरोखरचा स्ट्राईकवर पुन्हा एकदा तुषार रणदिवे असणार आहे कारण बबलू पाटीलने आलेल्या इरादे स्पष्ट केले होते. पहिल्या चेंडू होती मोठा फटका मोठा षटकार आपण पाहिलं होतं. त्यानंतर दुहेरीचा टोला. इथे मात्र तुषार रणदिवे पुन्हा पुढचा चेंडू लेफ्ट ओव्हर द विकेटचा मारा आहे. पुन्हा एकदा फुल टॉस. इथे मात्र कनेक्ट करता येत नाही परंतु थर्डमॅनच्या पट्ट्यात काय क्षेत्ररक्षण केलं जातं. मित्रांनो TWC गुहागर संघाचं सर्वात जमेची बाजू काय असेल ना तर त्यांचं क्षेत्ररक्षण. प्रत्येक क्षेत्ररक्षक जीव तोडून फलंदाजी करतोय. माफ करा क्षेत्ररक्षण करतोय. सुंदर क्षेत्ररक्षण प्रशांत. आता जर या ठिकाणी बघितलं तर क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं असं तुम्हाला वाटलं असेल तर बापल्या बघायचं आहे इथे टाळ्यांचा किती गजर होऊ शकतो. एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या. खरोखर 22 धाबा फलकावरती लागत आहेत. 2 षटकं देखील संपतात. 11 सरासरीने धाबा कुठल्या जातात. पॉवर प्लेची षटकं देखील संपतायत. आता मात्र नक्कीच क्षेत्ररक्षण पांगवलं जाईल. आपण पाहिलं तर चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल कारण प्रतिस्पर्धी संघ TWG गुहागर तर का तुम्हाला सामना जिंकायचा असेल तर प्रथम फलंदाजी करताना कमीत कमी 65-70 धावांचं टार्गेट सेट करावं लागेल कारण ही 6 षटकांची लढत आहे. तुम्हाला इथे 36 चेंडू आहेत आणि TWG गुहागर संघाकडे मॅन इन फ्रॉम प्रत्यमेश आहे. त्यानंतर आपण प्रशांतला जबरदस्त फलंदाजी करताना पाहतोय. अच्छी टीम आहे संतुलित टीम आहे. इसमें कोई संदेह नाही आहे. जिस तरह से देखिए 2 ओव्हर का खेल जो हुआ है जिसमें आपने योगेश पेंडकर को आउट किया जो फॉर्म में खिलाड़ी. दूसरी तरफ से तुषार नंदे जैसे खिलाड़ी तो बैटिंग लाइन में बहुत गहराई है लेकिन मोमेंटम का आपको बरकरार रखना होगा. और दूसरी तरफ से गेंदबाजों के लिए विकेट लेने की ज़रूरत है तब जब आप कमबैक करेंगे क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो राजेश्वर सुपर किंग की जो बल्लेबाजी है जिसमें 8वें 9वें 10वें नंबर तक बल्लेबाजी हो सकती है. अभी फिलहाल स्कोर की बात करें तो रन संख्या 22 बने हुए 11 के अवसर से यहाँ बेहतरीन नहीं है लेकिन बेहतर है. और सबसे बड़ी बात विकेट में मिला है विपक्षी टीम को तो उसका फायदा उठाने की कोशिश गुहागर की टीम भी करेगी. यस आपण पाहिलं चंद्रकांत गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय कारण चंद्रकांतला आपण प्रशांत पाहिलं होतं फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 माध्यमातून संपूर्ण स्पर्धेतील उत्कृष्ट गोलंदाज अक्षरशः आपल्या फिरकीवरती नाचवलं होतं. प्रशांत उत्कृष्ट गोलंदाज किताब पटकावला होता. तो चंद्रकांत गोलंदाजीवरती येतोय. पवन तलाव के मैदान पर इन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था. सबको प्रभावित किया था. और अंपायर बता रहे हैं कि भाई थोड़ा घड़ी की तरफ भी ध्यान रखिए. वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और वक्त जो है ना वो रीत की तरफ फिसलता जा रहा है. यस आपण पाहिलं तर चंद्रकांतचा पहिला चेंडू इथे मात्र स्ट्राईकवर असणार आहे तुषार रणदिवे.
डाफकुरा गोलंदाज लेफ्ट एम ओवर द विकेट चा मारा है। हो काय चेंडू हाताळलाय प्रशांत, आठवण करून दिले उस्मान सारख्या दिग्गज फलंदाजाला जखडून ठेवलं होतं, इथे तुषार आहे, नाचवलं होतं, जखडून नव्हतं ठेवलं, नाचवलं होतं, एकही चेंडू बॅटला लागला नव्हता, इतका चांगली गोलंदाजी या गोलंदाजाने केली होती। आता पहिला चेंडू मॅन इन फॉर्म तुषार रणदेव देखील अतिशय धोकादायक, पहिल्यांदा या मोसमामध्ये फॉर्ममध्ये खेळ, पहिला चेंडू टाकत असताना त्याची भंभीरी उडवलेली आहे। येस, अर्थातच एखादा चेंडू डॉट जातो ना गोलंदाजाचा आत्मविश्वास वाढतो। हो इथे मात्र आपण पाहिलं तर, येस आपण पाहिलं तर खूप नो चेंडू पुन्हा एकदा पंचांनी घोषित केला आहे, कारण आपण पाहिलं तर मैदानाच्या बाहेर पडला चेंडू प्रशांत, नियमानुसार हा नो आहे अर्थातच। बिल्कुल नो बॉल का इशारा होता बा और इसके साथ अगर देखें तो और दिक्कत थी, मतलब पहली गेंद सही ठिकाने में, दूसरी गेंद पर अब लग रहा था वो फ्लाइटेड गेंदबाजी करना चाहते थे, मतलब एक बार फिर न्योता देना चाहते थे, तो कंट्रोल नहीं था। मिकी माउस भी एंजॉय कर रहे हैं, मिकी माउस भी एंजॉय करते हुए इस वक्त हमारे कॉम्बॉक्स के सामने हैं। अर्थात 24 धावा पलकावते लागत आहेत त्यांनी ह्या पाटा विकेटवर, अर्थातच म्हणजे जे फिरकी गोलंदाज असतात त्यांना मात्र चांगल्या प्रकारचं नसतं म्हणतात पाटा विकेट, परंतु चंद्रकांत ते कशा प्रकारची फलंदाजी करतो, कारण पवन तावलाचं मैदान होतं ते, आपण पाहिलं तर टर्फ विकेट येतं आणि तिथे चांगली गोलंदाजी केली होती। यस 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 यस, अप्रतिम इशारा आपण पाहतोय पंचांचा। तो बिलकुल इस वक्त फ्रीट का इशारा हुआ है, इनका अब अनोखा स्टाइल है, खास करके संदीप गायकवाड़ और भगवा चषक 2022 पिक्चर है सुपर हिट, अगली गेंद फ्री हिट। यस फ्री हिट आणि पहा नीट, पुन्हा एकदा शंकर तयार होतो गोलंदाजी मार्कोस आणि इथे मात्र स्ट्राईकवर असणारे बबलू पाटील, अप्रतिम सामना आहे, अप्रतिम लढत, दर्दी क्रीडारसिकांनी ज्या प्रकारची गर्दी केली, सर्व दर्दी क्रीडारसिकांचं देखील हार्दिक हार्दिक आभार मित्रांनो। पुन्हा एकदा शंकर तयार होतो लेफ्ट एम ओव्हर द विकेटचा मारा, इथे मात्र स्वयर फ्री हिट कंटिन्यू असणार आहे, कारण आपण पाहिलं तर अर्थात धावसंख्ये फलकावती लागते 25 धावा, पावशतक फलकावती लागते, काफी ऑफ्टम के बाहेर घेत आहे, टिप्पा खाने के बाद थोडी और शरारत करते भी, और वाइड बॉल का इशारा, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से हो रहा है, तो ऑलरेडी देखे नो बॉल है, इससे पहले तो कि वो कैच लेने की कोशिश और उसके बाद में ये फ्रीट का इशारा भी हुआ, कंटिन्यू है। यस फ्री कंटिन्यू असणार आहे, कारण नो वसवेर चेंडू होता, धावसंख्या 25 धावा पलकावरती लागत आहेत। पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर चंद्रकांत सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्कवर, अर्थातच फ्रीट कशा प्रकारचं असणारं आक्रमण बबलू पाटीलचं ते देखील पाहणं गरजेचं आहे। पुन्हा एकदा चंद्रकांत पुढचा चेंडू, हो इथे मात्र बबलू पाटीलच्या बॅटमधून निघाला उत्तुंग आरपार, जबरदस्त उत्तुंग षटकार आहे। माजी सरपंच आवासी आदरणीय प्रकाश आमरे यांच्याकडून मिकी माऊसच्या अतिशय चांगल्या अशा कलेसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आले, क्या बात है क्या बात है। प्रशांत काय रिप्लाय दिलाय, अप्रतिम रिप्लाय, आणि इथं पण पाहिलं ना प्रशांत या स्पर्धेतील सर्वात मोठा षटकार, प्रकाश आमरे उर्फ बिंटॅशेट आमरे यांच्याकडून मिकी माऊससाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी दिलं जाते। मैदानामध्ये मॅच देखील खूप रंगतदार आहे आणि यावेळेला उंच असा एक चांगला फटका आपण पहिला स्क्वेअरच्या दिशेनं फटकावला बबलूच्या बॅटमधनं। येस प्रशांत, आपण पाहिलं तर स्पर्धेतील सर्वात मोठा षटकार आहे, आपण पाहिलं तर बिग सिक्स टुर्नामेंटमधलं आणि तर बबलूच्या बॅटमधून येतोय, धावसंख्या आपण पाहिलं तर 31 धावा, तिसरं षटक चालू असतं आणि फ्रीटवरती काय जबरदस्त आक्रमण केलं जात आहे, खरोखरच रडारमधला चेंडू होता, विथ द स्पिन खेळलेला फटका होता, कारण चंद्रकांत ज्या प्रकारची गोलंदाजी करतो त्याच्या टप्पा पडून दिले नाही, विथ द स्पिन जबरदस्त फटका होता, आक्रमक फटका होता चेंडू। येस अर्थातच आपण पाहिलं तर 31 धावा फलकावरती लागतात, गोलंदाजी मार्गावर सज्ज होतात चंद्रकांत। इथं मात्र आपण पाहिलं तर मित्रांनो ज्यांनी ज्यांनी या स्पर्धेसाठी स्पॉन्सरशिप केले त्यांचं देखील नामांचा उल्लेख करून नितांत गरजेचं आहे। आपण पाहिलं तर RC कुलकर्णी साहेब गरडा केमिकल्स लिमिटेडचे हेड म्हणून कामगिरी पाहत आहेत, त्यानंतर सतीश वाघ साहेब सुप्रिया लाईफ सायन्स लिमिटेडचे, त्यानंतर
एक लक्षात घ्या, बॉल मैदानाच्या बाहेर गेला, बॉल मैदानाच्या बाहेर गेला, परत आला आणि तो नवीनच बॉल दिला जाईल दोन्ही इनिंगला, दोन्ही इनिंगला, दोन्ही इनिंगला हा नियम सारखा राहील. हा कुठल्याही स्थितीमध्ये दोन्ही संघाला या ठिकाणी तोच नियम असणार आहे. आणि प्रेक्षकांना विनंती आहे, जर जवळपास बॉल असेल तर परत एकदा तो मैदानात टाकण्याचा प्रयत्न करा. कारण वेळेत अगदी स्पर्धा सुरू झालेली आजचा दिवस, तर दुसऱ्या बाजूला जर बघितलं तर आता एकच मॅच शिल्लक आहे. शेवटचा सामना आपण या ठिकाणी पाहतोय. धावपळकर एकूण धावांचा विचार केला तर धावपळकर धावा 31 आहेत. बबलूच्या बॅटमधनं एक अतिशय शानदार असा फटका ऑन साईडला. मला वाटतं एकाच कंपनीचे चेंडू आहेत, टेनिक्स या कंपनीचे. त्याला मॅच लगेच सुरू करा, त्यामुळे जास्त वेळ जातोय. कारण इथे मोमेंटम कोणाकडे आहे? बॅटिंग करणाऱ्या टीमकडे. अशा वेळी तुम्ही जर मोमेंटम घालवला तर गोलंदाज पुन्हा एकदा वरचं ठरू शकतो. बराच वेळ गेलेला आहे, कुणाचा चांगला गेलाय कुणाचा खराब गेलाय आता येणारी वेळच सांगेल. कारण बबलू पाटील एक अप्रतिम फटका, पहिला चेंडू खूप चांगला होता, त्यावरती बॅट्समन बीट झाला होता तुषार, आणि त्यानंतर बबलूच्या बॅटमधनं अतिशय शानदार असा दमदार. आणि ते त्याची खासियत आहे, मोठे फटके खेळण्यामध्ये वाकब असलेला खेळाडू आहे. यापूर्वी देखील अगदी हायवेच्या नजीक असलेलं मैदान, तिथे देखील बबलूचा जलवा आपण पाहिला होता, परंतु ते डेची मॅच आपण पाहिली होती. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क प्रती गोलंदाजाचे असेल चंद्रकांत. यस, चंद्रकांतचा पुढचा चेंडू पण पाहिला तर बबलू पाटील या आधीचे चेंडू होती अप्रतिम. चेंडू हरवला आहे म्हणून मी मगाशी म्हटलं होतं, या स्पर्धेतील सर्वात मोठा फटका आहे, वीक हिट अप्रतिम फटका होता. इथे मात्र जास्त वेळ काढू नका मित्रांनो प्लीज, कारण आपण पाहिलं तर मान्यवरांच्या उपस्थित आपल्याला हा सगळा कार्यक्रम देखील करायचा आहे, त्यामुळे विनंती करतो मधला जो वेळ आहे तो जास्त वाया जाऊ देऊ नका प्लीज. या षटकातील दोन चेंडूचा काही शिल्लक आहे. चंद्रकांत सज्ज होतो, धावसंख्या पालकावरती लागते ती 1-31. लेफ्ट हॅम अर्ध विकेटचा चंद्रकांतचा पुढचा चेंडू सज्ज होतो. बबलू पाटील रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू पुन्हा एकदा स्वैर. यस, इट इज अ वाईट मिक्सचर एक्स्ट्राच्या स्वरूपात एकदा मिळते. स्थिती आपण पाहिली 32 लॉस ऑफ 1 विकेट, प्रोग्रेस 9 थर्ड ओव्हर. स्वैर चेंडू, धावसंख्या 32, धावा फलकावरती लागत आहेत. अर्थातच तिसरं षटक चालू असताना थोडंसं महागडं षटक म्हणावं लागेल चंद्रकांतचं, कारण या षटकाची सुरुवात अत्यंत प्रभावी केली होती, डॉट चेंडू टाकला होता आणि तदनंतर मात्र नो चेंडू, स्वैर चेंडू आणि आक्रमण देखील केलं जात आहे. कारण आपण पाहिलं तर पाटा विकेट आणि प्राटा विकेटवर आपण हे जे कटर गोलंदाज असतात, स्पिन गोलंदाज असतात, त्यांना मात्र न्याय मिळत नसतो. पाटा विकेट म्हणजे फलंदाजांसाठी नंदनवन म्हटलं जातं. प्रशांत, इथं आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा बबलू सज्ज होतं आहे चंद्रकांत गोलंदाजीसाठी सज्ज होतं. हो, इथं मात्र रिव्हर्स स्वीपचा सुंदर फटका आहे, रिव्हर्स स्वीपचा अप्रतिम कणकणी दणदणीत चौकार. थँक्यू. चला आपण जाऊया सामन्याच्या दिशेने. आपण पाहिलं ह्या चेंडूवरती चौकार येतो, धावसंख्या देखील वाढते. धावसंख्या पण पाहिली तर षटक क्रमांक 3-1-35 धावा फलकावरती लागते, चांगली धावसंख्या आहे. बबलू पाटील अप्रतिम फलंदाजी करतोय, चौफेर फटकेबाजी बबलूच्या बॅटमधून. आपण पाहतो चंद्रकांतचा पुढचा चेंडू लेफ्ट हॅम अर्ध विकेटचा मारा, पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न होता. अर्थातच पाहिलं तर चेंडू येतोय पुन्हा एकदा ओव्हरथ्रो आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा कॅरी केला चेंडूला. इथे मात्र लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव येते. अशा प्रकारे तीन षटकांचा खेळ संपतो, तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहिली तर माफ करा, बहुत शरीफ घेते अगर देखे तो वो वाइट बॉल आए हैं, नो बॉल आए, तो ये बहुत ही बड़ा ओवर मैदान के अंदर बिल्कुल चलता बम, और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है. चंद्रकांत तुषार रंदिबे एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी, दूसरी तरफ से बबलू पाटिल एक अच्छा टोटल बनाने की कोशिश दोनों बल्लेबाजों की तरफ से होती भी. ओ स्ट्रोक अच्छा है, कड़क शॉट, कड़क चाबुक और कॉपी बुक, तुषार तुषार रंदिबे और बबलू दोनों बल्लेबाज जलवा दिखा दे.
मिनट का समय गया है, तीन ओवर डालने के लिए 25 मिनट का समय गया है, इतना समय नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का गुलाम नहीं है, वक्त किसी के लिए रुकने वाला नहीं है, वक्त किसी खूबसूरत मोहतरमा के लिए रुकने वाला नहीं है, और वक्त जो है ना रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, वो रुकने वाला नहीं है। 6 ओवर का मैच, तीसरा ओवर समाप्त हुआ, रन संख्या कुल मिलाकर 47 रन, और दोनों बल्लेबाज इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी करते, बबलू और तुषार रंदे में गेंदबाजी में परिवर्तन, प्रथमेश को मौका मिला है जिन्होंने प्रभावित किया, अच्छी गेंदबाजी की है इस जोकी टूर्नामेंट में, और बल्लेबाजी भी बहुत ही कमाल की गई है, ऑलराउंडर खिलाड़ी शानदार, बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछाले थे भी, पटकी भी गेंद, और आपको पटकी भी गेंदबाजी डालनी है तो बिल्कुल एनॉल डोनाल को आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते थे। अभी ये गेंद देखिए तो कान से चिट्ठी बजाती भी चली गई विकेट कीपर के दस्तान की तरफ, तो जो आप ऑन द टोच ऑन द नोज या ऑन द नोज आप जब गेंदबाजी कर रहे हैं, दोबारा उसी तरह की कहानी है। इस वक्त अगर देखे तो बहुत अच्छा खेल, अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि प्रेशर है, तीन ओवर में 47 आए, उसके बाद में इस ओवर की कहानी देखे तो दो लगातार बिंदी गेंदें आई हैं। अपने कंधों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए बबलू को थोड़ा सा परेशानी जरूर किया है। अब हमें उड़ाता रहा बंडल में गेंद, बॉडी लाइन के बाहर जाती भी, खोल दे मेरे पंख कहता ही ये परिंदा। मैं एक बार फिर इशारा किया अंपायर की तरफ से, खास करके संदीप गायकवाड़ ने किया है इस ओवर के बाद, लेकिन ये शॉट देखिए कमाल का स्ट्रोक था, बढ़िया तरीके से गेंद को ऑनसर की तरफ खेलते हुए शानदार बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज बबलू पाटिल, और अब जाकर 50 रन पूरे हुए हैं राजेश्वर सुपर किंग के, 53 रन, और बल्लेबाज तुषार रंदे में मैदान के अंदर है, योगेश पेंडकर पैक्टो पैबन चले गए हैं, लेकिन बबलू का बल्ला बोल रहा है। अभी तक 9 गेंदों में 25 रन इन्होंने बनाए हैं, क्या शानदार बल्लेबाजी। एक गेंद आप तीन बार डाल रहे, आपको यहां वेरिएशन करना था। ये बढ़िया गेंद है, थोड़ा सा लेन में बदलाव, गति तो आपके पास है। टिप्पा खाने के बाद उछाले थे गेंद को, उन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, यह अच्छी लेन अच्छी दिशा खास करके प्रथमेश की तरफ से। राइट टर्म और दो विकेट, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है और थोड़ी खराब फील्डिंग, तो इसका फायदा उम्र करेंगे, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं, नॉट आउट कहा गया, नसीब का साथ बिल्कुल मिलता है इस वक्त बल्लेबाज के लिए भी, क्योंकि इस वक्त अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही है, फ्लैट विकेट है, पाटा विकेट है। इस विकेट पर अगर देखिए तो टप्पा खाने के बाद गेंद बहुत ऊपर आती है, उछाल भी मिलता है, लेकिन कभी कभार गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे भी रहती है, तो वो कहानी थी इस वक्त, और विकेट को पप्पिया लेती भी गेंद आ रही थी, और बल्ले का बिल्कुल थोड़ा सा अनुरी किनारा लगा था, दर्शक एंजॉय कर रहे हैं मिकी माउस के साथ, तिथे असलेल्या गॅलरी मधील असलेल्या प्रेक्षकांना विनंती करेन मिकी माउस साठी एकदा टाळ्यांचा गजर करा, बघू त्या टाळ्यांचा आवाज आमच्यापर्यंत पोहोचतो का। थँक्यू। ओ इस वक्त ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर आए थे बल्लेबाज, ऑफ स्टंप को कवर करके ऑन सर की तरफ, खिलाड़ी बहुत दूर है बाउंड्री लाइन की तरफ, और अच्छा ओवर, ये भी अच्छा ओवर है जिसमें बहुत कुछ हुआ, छक्के आए, बिंदी गेंद आई है, और ओवर समाप्ति में 4-4 ओवर के बाद 57 रन एक विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजेश्वर सुपर किंग बबलू और तुषार रंदे में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करे। 12 गेंद शेष है, कहानी इंटरेस्टिंग है, छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे, यू गए और यू आए।
पहिले ते संत झाले, ज्यांनी बाळासाहेब पहिले ते भाग्यवंत झाले. हिंदुदय सम्राट आदरणीय सन्माननीय स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या चरणी पुन्हा एकदा नतमस्तक होतो. आणि चार षटकांचा खेळ समाप्त झाला आहे. धपलक धपा 57 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये पाचव्या षटकाचा खेळ सुरू होतोय. पांचवे ओवर की कहानी मैदान के अंदर बिल्कुल चल रही है. मोनू गेंदबाजी करने के तैयार. ऑन साइड पर पुल जरूर किया गया. खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है. उनके सर के ऊपर से गेंद ट्रैवल हो रही है. छलांग लगा के एक बार गेंद को रोक लिया है और विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बल्लेबाज. 59 रन एक विकेट के नुकसान पर 59 पर लॉस ऑफ वन विकेट. मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय द बोथ बैट्समैन. तुषार रन दे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बाजा नाम से बहुत मशहूर. बाजा नहीं भाजा, भाजा नाम इनका. और एक नाम है बिल्कुल अभिजीत हमें बताने वाले हैं, लेकिन अभी टेनिस विश्व में जो मशहूर नाम है वो है भाजा. इस पे ग्राउंड पर ये प्रैक्टिस करते हैं. ओ प्रतिम प्रतिम फटका चेंडू सीमारेखेच्या दिशेने जाईल. चौकार षटकारांची आतषबाजी करून फटका फाइन लेगच्या दिशेने खेळलाय. चेंडू जाईल सीमारेखाच्या पार. चौकार या चौकारांची धावसंख्येला येतोय आकार. धावसंख्या पुरले, धावसंख्या सजले. 63 धावा. मैदानात फक्त जास्त वेळ घेऊ नका. पहिल्या 3 षटकांना 25 मिनिटं गेलेत आणि आपण टेस्ट क्रिकेट तर खेळत नाही आहे, प्रोफेशनल खेळाडू मैदानामध्ये आहेत. तुमचा आदर्श घेणारी अनेक या ठिकाणी तरुण मंडळी या ठिकाणी आहे, त्यामुळे प्लीज डिसिप्लिन फार महत्त्वाचं आहे. आतापर्यंत या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलेलं आहे. फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए मनु तैयार. स्ट्राइक रन पर तुषार रन दे बे. स्ट्रोक अच्छा है. एक बार फिर बढ़िया तरीके से ऑन साइड पर पुल करते हुए छोटा तीर वार करे गंभीर. 6 रन. जी बिल्कुल, ज्या क्षेत्ररक्षकाच्या बरोबर मागच्या साईडला जो प्रेक्षक आहे त्याने एकाताने झेल पकडलाय, त्यांच्यासाठी या ठिकाणी पारितोषिक आहे. बाबे गेंद है. मिस टाइम स्ट्रोक और थोड़ी खराब फील्डिंग कवर करने के लिए खिलाड़ी है तो रन बन रहे हैं. प्रोफेशनल बल्लेबाज मैदान के अंदर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रन संख्या इसी के साथ 70 रन एक विकेट के नुकसान पर. दबाव इस वक्त गेंदबाजों के ऊपर. TWZ गॉगर की टीम फील्डिंग कर रही है. टॉस जीता था और सामने बल्लेबाजों की बात करें तो आज प्रभावित किया बल्लेबाजों ने. तुषार रन दे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं. दूसरी तरफ से अगर देखें तो स्टाक रन पर बबलू फील्डिंग फ्लाइंग स्वीप गली पॉइंट स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी मौजूद हैं. एक लॉकअप खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मोनू तैयार. अब बाबे गेंद है, सुंदर स्ट्रोक है, लेकिन खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे. उनके पास कोई मौका नहीं है. खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए. जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है. बबलू पाटिल का एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक और डाउन द ग्राउंड गेंद को खेलते हुए शानदार शानदार बल्लेबाजी. ऑन साइड पर पुल जरूर किया गया, लेकिन इस वक्त इतना अच्छा टाइमिंग नहीं है. मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है. एक रन का इजाफा और इसी दूसरी के लिए वापस आ रहे.
थ्रो बहुत अच्छा था लेकिन विकेट कीपर ने क्या देने किया, तो इसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने दो रन मुकम्मल किए और दो रनों के साथ रन संख्या 78 रन एक विकेट के नुकसान पर पांच ओवर की कहानी समाप्त हुई है। और आज के दिन का जो खाना था इसके स्पॉन्सर थे सारी टीमों के लिए, मतलब जो चार टीमें इनके लिए खाना था, नारायण शेट्टी, चित्तरंजन शेट्टी, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, इनकी तरफ से भी बिल्कुल खाना था। 78 फॉर वन आफ्टर फाइव ओवर। समय हो गया एक बार भी छोटे से ब्रेक का और प्रेम डीजे का गाना, मेहमानों का आना और शेट्टी साहब आपका खाना। फील्ड एक खिलाड़ी दायरे के अंदर है, इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी यहां भी मौजूद है, छलांग लगा के रोकने की कोशिश लेकिन गेंद का रुकने वाली है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी छह रनों के लिए। He's playing on 31 and Pablo Patil playing on 37, now scored 84 for 1. Magnificent batting by the both batsmen. Kamal ki ballebazi kar rahe. Is over ki agli gend, dubara ek baar phir gend batte gya rahe. Akash. Is baar bhi achha stroke hai, long on ki taraf khiladi maujood hai. Shandar fielding, ab Pablo ki baari hai. पहले विकेट के लिए एक बड़ी साझेदारी नहीं बनी लेकिन दूसरे विकेट के लिए साझेदारी देखे बबलू और तुषार रंदेबे, दोनों ने मेला लूटा है, गेंदबाज का दिल टूटा है, बहुत बार हवाई सफर करती हुई गेंदें बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई है। छठे ओवर का खेल है, आप ग्रैंड फाइनल देख रहे हैं, भगवा चषक 2022 एक सफल टूर्नामेंट है, वैसे पांचवा साल है, बेमिसाल है, कमाल है, लाजवाब जो कि क्रिकेट का खेल, तीन दिनों में दूध या रोशनी में शानदार आयोजन, खास करके बगबा चषक के आयोजनकर्ता द्वारा। टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं है, बल्ले का अनुरी किनारा लगा था, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, तुषार वैसे रन देना चाहते थे लेकिन इस वक्त अगर देखे तो कोई रन नहीं है। निर्णायक ओवर की जो कहानी है जिसमें कि अभी देखे तो तीन गेंद शेष, ये जो ओवर है आकाश का जिसमें एक अच्छा स्ट्रोक जरूर खेला गया तुषार रणदेव की तरह से, अब लेकिन बल्लेबाज बबलू किस तरह से खेलेंगे, किस तरह से खेलेंगे, देखे इस तरह से खेलेंगे, भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं, हवा से उड़ के मैदान के बाहर जाए उसको छक्का कहते हैं, बाजी में लाए पलटवार उसे हुक्म कह के कहते हैं। बबलू पाटिल के जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस बार भी उड़ाया तारामंडल में, हवा में गेंदे खिलाड़ी है लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं है, ना सूरत देखते ना मुहूर्त देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं। खूबसूरत शानदार छक्का, टू इन अ रो। तो तीन बैटिंग के लिए होती, यानी पहले अर्धशतक झळकल होतं तो दुसऱ्या बाजूला बबलू पाटील या वेळेला अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावरती आहे, एका धावेची आवश्यकता आहे, एक धाव पूर्ण केली तर या स्पर्धेतलं दुसरं अर्धशतक देखील आपल्याला पाहायला मिळेल आणि टीमच्या शतकासाठी तीन धावांची आवश्यकता। एक गेंद टिप्पा खाने के बाद लेग स्टंप के बाहर जाते, ये कहां जा रहे हैं उड़के,
भाई कहाँ जा रहे उड़ के, वाइट बॉल का इशारा। वैसे बहुत बार इस टूर्नामेंट में उड़ी उड़ी जाए वाला गाना बजा। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, अपनी टीम के शतक के लिए दो रनों की जरूरत है तो बबलू पाटिल के अर्धशतक के लिए एक रन की जरूरत। कीर्तिमान के दहलीज पर हैं, आकाश गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और कला के साथ मोड़ दिया ऑन साइड पर, कलात्मक क्रिकेट है। गेंद को अर्ली की तरफ आते भी खिलाड़ी यहां मौजूद है लेकिन नहीं रोक पाएंगे, दो रन मुकम्मल किया गया। तीसरे के लिए वापस आते हुए और विकेट के बीच चीते की दौड़ लगाते हुए, तो ये खिलाड़ी है कासिम खास, याद रखेगा इतिहास। और खास करके बबलू के बन गए हैं 50। प्रेक्षक का विनती है बबलू जी बैटिंग आबल डेसर द टैलेंट से गजर करा, वन बॉल वन रन शॉट टैलेंट से गजर एवं आवाज। बबलू जरा आकाशाकडे बैट करा प्लीज, थैंक यू वेरी मच। वन रन शॉट है तर याचा अर्थ 100 धावा धावपळ करती असतील। तर दुसऱ्या बाजूला जर बघितलं तर बबलू पाटीलचं शानदार अर्धशतक, किती चेंडू मध्ये आले ते देखील आपण पाहूया। 18 चेंडू मध्ये 51 धावा कुठल्यात, 6 षटकार, 1 चौकार त्याच्या बॅटमध्ये आलेला आहे। तुषार रंदबे 15 चेंडू मध्ये 32 धावांची अतिशय शानदार खेळी, 3 षटकार आणि 2 कणकणी चौकार। एक दोघांसाठी एकदा जोरदार टाळ्यांत गजर या ठिकाणी पूर्ण स्टेडियम मध्ये होईल, थँक्यू। तो जीतने के लक्ष्य की बात करें तो TWJ गौहकर के लिए रन चाहिए 101, तो मजा आएगा इस वक्त। TWJ गौकर के पास भी बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी है, खास करके प्रशांत घरत किस अंदाज से बल्लेबाजी करेंगे। और एक भिवंडी का खिलाड़ी भाई इनके पास, उनके ऊपर भी एक बार फिर सबकी निगाह रहेगी। 101 मतलब 101 रन की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। और बबलू के लिए बहुत सारे फैन फॉलोअर्स है, बबलू के चेहरे पर मुस्कुराहट है। चलते हैं संजो के पास। अपन पाहतो व्यासपीठावरती सूर्य ग्रुपचे मॅनेजमेंट इथं उपस्थित आहे, कालेकर साहेब तसेच समीर साळी साहेब, मी मनोज जांभरे यांना विनंती करतो आपण त्यांचं यथोचित स्वागत करावं। वन शॉट है, एक रनआउट है, तो फक्त एकच धाव असेल, म्हणजे उद्दिष्ट 100 धावांचं असणार आहे, 100 धावांचं उद्दिष्ट असणार आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून। अगदी पहिला सीझन आपण बघितला, पहिल्या सीझन मध्ये देखील एक छान असं आयोजन, ज्यावेळेला सतीश भाऊ शाखा प्रमुख होते आणि त्यानंतर आता गेले 5 वर्ष आपण ही चांगली स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे। तर या निमित्तानं आपण टीम मॅनेजमेंटमध्ये आपण पाहतो आहे सतीश भाऊ आमरे, सचिन शर्मा, सुमित आमरे, त्यानंतर विक्रांत साने आणि तुषार आमरे। मी या सर्वांना विनंती करेन, त्याचबरोबर अभिजित आमरे आणि रोहित साळवी या पूर्ण टीमला विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती या। आपला यथोचित सन्मान भगवा चषक 2022 या प्लॅटफॉर्मवरती केला जातोय। त्याचबरोबर सर हर्षदीप आमरे, प्रितेश आमरे, टीम मॅनेजमेंटमध्ये जी सर्व टीम आहे आपण या, कारण या टीमशिवाय टीम होणार नव्हत्या। टीम मॅनेजमेंट खूप चांगलं झाले, सतीश भाऊ आमरे, सचिन शर्मा, सुमित आमरे, विक्रांत साने, विक्रांत उर्फ बंटी साने, तुषार आमरे आणि अभिजित आमरे, रोहित साळवी। जास्त वेळ घेऊ नका कारण दुसरी इनिंग सुरू होते त्या ठिकाणी, या सामन्याला देखील सुरुवात होते, दुसऱ्या इनिंग करता सुरुवात होते, ग्रँड फिनालचा मॅच। सचिन शर्मा, सुमित आमरे, विक्रांत साने, तुषार आमरे
अभिजीत आमरे, रोहित साळवी आणि सतीश भाऊ. सतीश भाऊ व्यासपीठावरती आहेत. अमित आमरे क्रांती मित्र मंडळ, विशेष करून आमच्या ज्या महिला रणरागिणी आहेत यांच्याकडून बबलूच्या अपलातून इनिंगसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक. या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य काय माहिती आहे का? पहिला मॅच 50 धाबा प्रणवच्या बॅटमधनं आल्या, शेवटचा मॅच पहिली इनिंग बबलूच्या बॅटमधनं 50 धाबा आल्यात अंतिम सामन्याकर. चला चला टीम मॅनेजमेंटने सर्व संदीप गायकवाड, एक मिनिट मॅच थांबवायचं आहे कारण. हॅलो, मी पुन्हा एकदा विनंती करतो. सतीश भाऊ आमरे, सचिन शर्मा, सुमित आमरे, बंटी साने, तुषार आमरे, बंटी आमरे, त्याचबरोबर रोहित साळवी, अमित आमरे, सुमित आमरे, आपण व्यासपीठावर या. गुणलेखक प्रसाद बाळू, सुयोग शिगवण, अमोल मालकर, तसेच भोड साहेब, रवींद्र शिंदे, संतोषजी शिगवण, सागर आंबरे. चला या लवकर. सुमित चव्हाण, मिलिंद आमरे, त्याचबरोबर नेहमी सहकार्य असणारे प्रेम डीजे यांचा देखील इथे सत्कार केला जातोय. आमचा शब्द कधी न पडून देणारे प्रेम डीजे, कृपया व्यासपीठ या. हे जे मंडप दिसतोय तसेच साऊंड दिसतोय प्रेम डीजे, चला या. त्याचबरोबर लाईट्स दळवी यांचा कोण प्रतिनिधी असेल, अमोल दळवी, त्यांना व्यासपीठावर विनंती या. फ्लड लाईट करता अजिंक्य पवार, लाईट अजिंक्य पवार, फ्लड लाईट अजिंक्य पवार आणि त्यांची सर्व टीम आपण प्लीज व्यासपीठावरती या. त्याचबरोबर डीजे ऑपरेटर मिस्टर प्रेम आपला देखील सन्मान केला जातोय. तर विशेष करून आमाशीच्या ज्या रणरागिणी व्यासपीठावरती आहेत त्यांनी बबलूची बॅटिंग पाहिली आणि 1000 रुपये जाहीर केलेला आहे. त्याचबरोबर गुण लेखिका चव्हाण मॅडम, प्रशांत सर, बाबल्या जाधव सर, आपला देखील इथे अतिथीत सन्मान केला जाईल. आदोड सर, जाधव सर, यूट्यूब टीम कोचरेकर, कोचरेकर सर या. या यूट्यूबचा कोण प्रतिनिधी असेल ते या. रोहित साळवी, रोहित साळवी आपण देखील व्यासपीठ या. ग्रामपंचायत सदस्य सुचिता आमरे यांच्या शुभ हस्ते चव्हाण मॅडम यांचं स्वागत केलं जाईल. रोहित साळवी, मंदार आमरे, शिगोन साहेब,
एस के जे आमरे यांच्या मार्फत आदडू सर यांना गौरवले जाते. त्याचबरोबर बोर्ड साहेब आपल्याला देखील विनंती आहे. मी सुचिता आमरे यांना विनंती करतो. ग्रामपंचायत सदस्य चव्हाण मॅडम यांचं यथोचित स्वागत करायचं आहे. महाराष्ट्रभर त्यांचं गुणलेखन आपल्याला पाहायला मिळतं. जाधव सर आपण देखील व्यासपीठेऱ्या जाधव सर. त्याचबरोबर ह्या ज्या टीम्स इथे आलेले आहेत जवळजवळ 40 ते 42 टीम इथे आलेले आहेत. त्याच सचिन शर्मा एक चांगलं व्यक्तिमत्व यूट्यूब असेल टीम्स असेल त्यांचं चांगलं नियोजन सचिन शर्मा मार्फत. विनय आंबरे राजेश आंबरे महेश पालांडे राजेश आंबरे सुलेमान भाई पटाईत विनय आंबरे जाधव सर इथं उपस्थित आहेत. मी सतीशला विनंती करतो. सतीश आंबरे जाधव सरांचं यथोचित सन्मान करायचं आहे. राजेश आंबरे चला या व्यासपीठावर. ज्यांच्या नावाचा उल्लेख होतोय त्या सर्वांनी प्लीज लगेचच व्यासपीठावरती या कारण प्रेक्षकांना आता शुभची ही 60 षटकं देखील. तसेच लाईट्स दिसत आहेत ते उज्ज्वला इव्हेंट मॅनेजमेंटचे अजिंक्य पवार कृपया अजिंक्य पवार मिकी माऊस आपण देखील व्यासपीठावरती आपला देखील सन्मान होतोय. मिकी माऊस टाका चौथा गिर टाका. उज्ज्वला इव्हेंट मॅनेजमेंटचे अजिंक्य पवार कारण आपण काल पाहिलं असेल जे वादळ झालं त्यामध्ये त्यांचे 2 टॉवर आणि हॅलोजनचं मोठं नुकसान झालं होतं. तरी पण त्यांनी चांगलं सहकार्य आपल्याला केलं दिसतंय स्पर्धेसाठी. भाई प्रशांत तसेच या अंतिम स्पर्धेसाठी आपलं मनोरंजन केलं ते मिकी माऊस त्यांना विनंती. आपण व्यासपीठावर या आणि त्यांच्यासाठी मला वाटतं डीजे एक सॉन्ग होऊ जाते. विशाल नाईक संदीप मोरे संदीप गायकवाड त्यानंतर राकेश मोरे निलेश टेरवकर चारही अंपायर आपला सन्मान व्यासपीठावरती होतोय. जरा वेग वाढवा प्लीज या. खेड तालुक्याचे तालुका अध्यक्ष युवा सेनेचे माफ करा टायगर ग्रुपचे
शैली चव्हाण इथे उपस्थित आहेत. आपलं देखील हार्दिक स्वागत. आपल्याला विनंती आपण व्यासपीठावर या. शैलजी चव्हाण, सूरज आंबेडे, ऋषिकेश आंबरे, संग्राम कोळी, दर्शन अनिकेत, दीपिकेश आंबरे, प्रणव शिगवण यांचं देखील इथे स्वागत करू इच्छितो. मिकी माऊसला या ठिकाणी 500 रुपयाचे पारितोषिक आहे. मिकी माऊस आपल्याला ते दिले जात आहेत. बाबला जाधव आपल्यापर्यंत घेऊन येत आहेत. तसेच या सामन्यासाठी पंच यांचं देखील यथोचित सन्मान केला जातोय. आमचे स्थानिक पंच राकेश मोरे असतील, टेरोकर असेल, ह्याचं देखील शाखा आवाशीतर्फे हार्दिक स्वागत. तसेच डान्सिंग अंपायर इथं यांचं देखील मोरी साहेबांच्या हस्ते सन्मान केला जातोय. संदीप गायकवाड, विशाल नाईक, राकेश मोरे, निलेश टेरोकर, अजित निकम या सर्वांचे मनापासून धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. मंदार आंबरे यांना देखील विनंती आपण व्यासपीठावर या. आणि मी आता ज्यांचा सत्कार करतोय ते या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक ज्यांनी अतोनात मेहनत केली असे आमचे महेंद्र आंबरे असतील, पिंटू आंबरे असतील, अजित आंबरे असेल, सुदर्शन कदम असेल, राजन पाष्टे असेल, सतीश आंबरे असतील, बंटी साने असेल यांचा देखील सन्मान केला जातोय. आदर सर, प्लीज कंटिन्यू. आदर सर, डीजे या थोडासा माहोल बनवूया आणि मॅच मध्ये जाऊ. जर 22 अत्यंत महत्वाचा शेवटचा मॅच महासंग्राम आपल्याला पाहायला मिळेल. प्रेम, चला आपण एक सुंदर गाणं घेऊ आणि मैदानामध्ये रंग भरण्याकरता सज्ज राहू. हॅलो हॅलो. आजगणीचे शाखाप्रमुख रवीजी कुळे, तसेच लवेलचे बोर्ड शाखाप्रमुख यांना देखील विनंती आहे आपण व्यासपीठावर या. रवी कुळे, क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचे. सचिन बरगे क्षेत्ररक्षण सजून घ्या. अभिजित दुधे, नितीन माटुंगे, बबलू पाटील, आनंद चव्हाण अगदी जोडी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. अर्थात यावेळेला प्रशांत घरत या ठिकाणी असणार आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला आपण दुसऱ्या एंडला देखील जो फलंदाज आहे त्याच्यावरती नजर असेल. बिबट्टी के खिलाड़ी मैदान के अंदर मिस्टर प्रथमेश जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है और विरार अर्नाला के खिलाड़ी प्रशांत घरत. दोनों ने प्रभावित किया, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी और दोनों ने दो दो मैन ऑफ द मैच भी लिए हैं. तो स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज इस वक्त प्रथमेश, नॉन स्ट्राइक रन पर प्रशांत और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल इस वक्त ग्यारह राजेश सोरटे. चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरह से इन्होंने प्रदर्शन किया था और कमाल की गेंदबाजी की थी, तो पावर प्ले का पहला ओवर और इसका इशारा संदीप गायकवाड़ कर रहे हैं. कराड़ प्रीमियर लीग में अभी भी इन्होंने अच्छा काम किया था. दूसरी तरफ से अगर देखिए तो विशाल नाइक और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर राजेश सोटे. इस ओवर की पहली गेंद पर बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए फाइल की तरफ बहुत तेजी के साथ गेंद जाती हुई बॉडी लेकिन चार रन ईट का जवाब पत्थर से हो रहा है.
बाहर जाते बिगेन, पहले से थोड़ा सा ऑफ नेम के बाहर आए थे, तो बढ़िया तरीके से फाइंड क्षेत्र की तरफ गेंद को खेलते हुए ये चौके की मदद से प्रथमेश ने अपना आगाज किया है। राजेश सोटी गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, पहली गेंद पर चौका, मतलब इस वक्त प्रथमेश ऑन द मार्क। राइट आर्म ओवर द विकेट, रिवर्स खेलने की कोशिश, हवा में गेंद, गेंद के नीचे राजेश, एक तेरी एक मेरी, प्रथमेश की विकेट गिरी है, पहली सफलता, पहला ब्रेक थ्रू देते हुए राजेश सोटी। शुक्रिया डीजे, वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का, अरुणा खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भगवा चषक 2022, न जाने किसके हाथों में ये भगवा चषक 2022 जीतने की रेखा है, और सारे खिलाड़ियों ने ये खूबसूरत ट्रॉफी जीतने का ख्वाब देखा है। ख्वाब बहुत बड़ा है, सपना बहुत बड़ा है दोस्तों, मेहनत भी आपको बड़ी करनी चाहिए। पहली गेंद पर अच्छा स्ट्रोक खेला गया था प्रथमेश की तरफ से, लेकिन दूसरी गेंद पर रत्नात्मक बल्लेबाजी करने का जो प्रयास किया गया वह फंस गए। राजेश सोटे बहुत ही खतरनाक गेंदबाज है, इस सीजन में ऑलरेडी मिडल ओवर भी डाल चुके हैं, वो भी महाराष्ट्र के बाहर जाके। टिप्पा करने के बाद अंदर की तरफ आई गेंद, पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है और नॉन स्ट्राइक रेन पर थ्रो करते भी। चारों ओर सन्नाटा है, प्रशांत के ऊपर सबकी निगाह रहेगी। प्रभु गेंदबाज के तौर पर राजेश गेंदबाजी करते हुए बिल्डिंग में तकतीली कर रहे हैं। ऑन साइड पर देखें तो ऑन साइड पर इस वक्त मिडॉन का खिलाड़ी धारी के अंदर, एक ऐसे खिलाड़ी है जो ओवरआर्म और अंडरआर्म बहुत एडजस्ट करते हैं, मतलब आप इनका अंडरआर्म का खेल भी देखेंगे तो वो एफर्टलेस बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। बैकफुट जाके गेंद को कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में, खास करके राजेश सोटे की तरफ से। प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर इस बल्लेबाज ने हर बार जाके अच्छा प्रदर्शन किया, गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं प्रशांत घरत। नहीं 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 नहीं, यह शॉट अच्छा नहीं था, टिप्पा खाने के बाद उछाल था, मन बना के एक बार फिर इस गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, जो उनका पसंदीदा स्ट्रोक है इस सीजन में, इस शॉट से इनको बहुत ज़्यादा सफलता भी मिले हैं, लेकिन ये अच्छा अच्छा जो कि ओवर खास करके राजेश सोटे की तरफ से। स्ट्रोक अच्छा है इस वक्त, खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद है, मिड ऑफ की तरफ थोड़ी खराब फील्डिंग, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं है। पहले ओवर का खेल, पहले ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन एक विकेट के नुकसान पर सफल ओवर समाप्त हुआ, प्रथमेश बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं। कहानी इंटरेस्टिंग बन सकती है, लेकिन पावर प्ले में आपको अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी करने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के साथ वापस आएंगे, यू गए और यू आए। आदर सर, अजून एक सत्कार मला करावा असं वाटेल, ते म्हणजे आमचे आवासी 11 संघ, ज्याने या रत्नागिरी जिल्ह्यातच नव्हे संपूर्ण महाराष्ट्रात आपल्या आवासी गावाचं नाव नेऊन ठेवलंय, असे आमचे सागर असेल, बाबले असेल, सर्व संघाचे सह खेळाडूंना विनंती, आपण कृपया व्यासपीठ या आवाश 11 ते सर्व शिलेदार, आणि ज्यांनी अंडरआर्म क्रिकेट ओव्हरआर्म क्रिकेटच्या माध्यमातून या आवाशी गावाचं नाव रोशन केलेलं आहे, अशा सर्वांचा व्यासपीठावरती यथोचित सन्मान केला जातोय। सागर बाबल्या सर्व खेळाडूंना घेऊन आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे। पहिला दुसरे ओव्हर का खेल, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज गिरीश, स्ट्रोक अच्छा है इस वक्त, मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर, गेंद बॉलिंग के बाहर, क्या कड़क शॉट, एक बार फिर देखे तो मैदान के अंदर जोरदार प्रहार, गेंद चली गई बॉलिंग के बाहर, मिलेगी रन 4 तो बेड़ा होगा पार।
ये शॉट अच्छा नहीं था, फिर अलग रहते कि तो रिवर्स से खेलने की कोशिश। देखिए पहले एक बार फिर टेलीग्राम मिल गया, टेलीग्राम मिल गया था गिरीश को, तो वह इनको फॉलो करते, बल्लेबाज को फॉलो करते में गेंद डिलीवर होने से पहले, गेंद रिलीज करने से पहले आपका पैरों का मूवमेंट हो जाएगा ना, तो वो टेलीग्राम मिलता है। अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर, इस प्रतियोगिता में मेडन ओवर डालने वाले यही गेंदबाज है मैदान के अंदर गिरीश कोचरेकर। अब जाकर देखे प्रशांत के ऊपर दबाव बना दे, रन संख्या फिलहाल अगर देखे तो कुल मिलाकर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 100 रनों की जरूरत है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद को पुल करना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से तो पुल तो नहीं कर पाए। गेंद ट्रबल बॉडी लाइन की तरफ जाते हुए 4 रन गैप में जाते हुए गेंद, और प्रशांत गरत का यह दूसरा चौका, मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। शैलेश जी चौहान, ओहो कमाल का स्ट्रोक, एक बार फिर डीप एक्स्ट्रा कवर बॉल लाइन की तरफ पर प्रशांत का यह तीसरा चौका है। गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका। मैदान के अंदर सकारात्मक सोच के साथ प्रशांत की तरफ से दोबारा एक बार फिर यह शॉट सबसे बेहतरीन है। डाउन द ग्राउंड बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी, हम पर का क्या फैसला है, हम पर का इशारा 6 रनों का, ऐसी भी हवा चले और प्रशांत घरत क्या है सबको पता चले, क्या कमाल का शो खेला गया। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। सत्र में आप एक बार फिर जगते हैं ना तो वो लाइन आपको बोलनी पड़ती है, टुडे इज द माय डे, आई एम द विनर, आई एम द बेस्ट। ये गेंद अच्छी नहीं है, लक्ष्य के बाहर जाते भी अंपायर बिल्कुल इस वक्त हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और अपने अंदाज में वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं। संदीप गायकवाड़ मिस्टर एस्ट्रा से रन संख्या 25, पावन शतक पूर्ण झाले, अजूनही बघितलं तर पावन शतकाची आवश्यकता, 75 धावांची आवश्यकता, और इसके साथ अगर देखिए तो रन संख्या कुल मिलाकर 26, क्योंकि मिस्टर एस्ट्रा और 1 रन मुकम्मल किया, तो प्रशांत गरत ऑन स्ट्राइक। ये सबसे बेहतरीन बैटल है, बेस वर्सेस बेस की लड़ाई। राजेश सोटी तैयार, और अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रही है, इस गेंद को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए बल्लेबाज। प्रशांत कितना वेरिएशन करते ये खिलाड़ी, लेग ब्रेक करते हैं, गेंद को अंदर की तरफ लेके आते हैं, तेज करते हैं, रन इतना बड़ा नहीं है लेकिन कंट्रोल बहुत अच्छा है। रुक गए, मुनाफ पटेल साहब के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था खास करके गुजरात में नवसारी में, तो इन्होंने एक अच्छी बात बताई थी गेंदबाजों के बारे में, एक इंटरव्यू जो कि प्रवीण आमरे के साथ हुआ था नारंगी के मैदान पर विरार पर, तो बल्लेबाजों के बारे में एक अच्छी बात बताई थी, प्रॉपर बल्लेबाजी करना है तो क्या करना चाहिए, और आमरे साहब ने कहा था कि भाई आपका बल्ला गेंद के ऊपर भारी है, खोल दे मेरे पंख कहता ये परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मेरी मंजिल, पूरा आसमान बाकी है।
बहुत कुछ आना बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। रिवर्स स्विप खेला गया, गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई, इस वक्त खिलाड़ी है फ्लैंक स्वीपर, बल्ले के बीचों बीच नहीं खेल पाए, परेशान है तो एक बार फिर सब कुछ मुमकिन है। रन संख्या तीसरे ओवर में 32 प्लस अप, वन विकेट जैसे कि टारगेट ऑफ 100 रन। टी डब्ल्यू से गॉगर और एक तरफ अगर देखे तो एक सक्षम टीम मैदान के अंदर। टप्पा खाने के बाद नीचे रही है, थोड़ा सा रूम बनाकर खेलने की कोशिश। एजाज खेरडकर या ठिकाणी आपण बघतो तो दुबईहून या सामन्याचा आनंद घेतात, एक चांगले खेळाडू आहेत आणि निश्चितच या क्रिकेटच्या खेळाचा आपण आनंद घेत आहे, आपलं स्वागत आहे। इस पक बल्ले के ऊपर अच्छे तरह से गेंद चढ़ी नहीं है, गेंद फाइनल के क्षेत्र की तरफ जाते हुए खिलाड़ी यहाँ मौजूद है। एक रन का इजाफा इसी सिंगल के साथ, रन संख्या अब स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। अक्षय ने बल्लेबाज मैदान के अंदर है, प्रथमेश का विकेट गिरने के बाद आए हैं, ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। एजाज भाई आपका स्वागत है। नहीं 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 नहीं, गेंद को रीड नहीं कर पाए हैं। ओवर समाप्त हुआ बिंदी के साथ, तीन ओवर की कहानी समाप्त हुई है और एक विकेट के नुकसान पर रन संख्या 33। और अभी देखे तो यहां से तीन ओवर का खेल आना बाकी है, मैंने कहा कि ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। वैसे अगर देखे तो मेहमानों का आना, शेट्टी साहब आपका खाना और हमारे प्रेम डीजे का गाना। आखिरी 18 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए बस 67 रनों की जरूरत। टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी एजाज जो कमाल के खिलाड़ी, अजगनी के लिए इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, एक टैलेंटेड खिलाड़ी, आजकल यहाँ नहीं है, दुबई में है, लेकिन ये कह रहे कि बहुत कमाल का ये मुकाबला है और तीन दिन मैंने इंजॉय किया टूर्नामेंट। एजाज दोबारा आपका स्वागत है भगवा चषक 2022 में। Now remaining 18 deliveries and need 67 run to win this match. On side पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है। प्रशांत ने कुछ अच्छे स्ट्रोक खेले हैं, लेकिन इतने रन आप बनाने की जब कोशिश कर रहे हैं, इतना बड़ा टारगेट होता है तो प्रेशर तो होता है और फाइनल का मैच है, फाइनल का मैच है तो इसका अतिरिक्त दबाव होता है। आजकल देखिए मुंबई इंडियंस स्ट्रगल कर रही है, जो सबसे ज्यादा बार आईपीएल में जीत चुकी है, आईपीएल का टाइटल जीत चुकी है। बाहरी किनारा है इस वक्त, ओहो, पीछे खिलाड़ी भी तैनात था। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन रोहित की तरफ से, लेंथ बहुत अच्छी रख रहे हैं, ज्यादा आगे गेंदबाजी नहीं कर रहे और बाउंसर डाल रहे हैं, पटकी भी गेंदबाजी ज्यादा कर रहे हैं। इस ओवर की पहली दो गेंदों की कहानी देखे तो पहली गेंद पर बिंदी है, दूसरी गेंद पर बिल्कुल इस वक्त जीवनदान मिला है बल्लेबाज प्रशांत को। बल्लेबाज एक बार फिर तैयार बल्लेबाजी करने के लिए अक्षय, चार ओवर सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं है। और इस मुकाबले की बात करें तो अभी आपके पास 16 गेंदे हैं और 16 गेंदे में जीतने के लिए 66 रनों की जरूरत। बल्लेबाज तैयार, सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, हम वादे नहीं इरादे लेके आए हैं। इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा होने वाला है, कहने का वक्त है, हम वादे नहीं इरादे लेके आए हैं। इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा होने वाला है, कहने का वक्त है। मैदान के अंदर धमाका होता हुआ, शानदार स्ट्रोक। इसे
किसी बल्लेबाज ने हमला किया है और इस शानदार छक्के के साथ रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर एक बार फिर आगे बढ़ता हुआ 40 रन बने हैं। जीतने के लिए 60 रनों की जरूरत। यह भी आसमान की तरफ गेंद है, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और यह कैच ले लिया है बल्लेबाज। बैक टू द पैवल जाते हुए दूसरे विकेट का दोन धावांची आवश्यकता होती आणि मग प्रेक्षकांनी किक मारायला सुरुवात केली। राहुल दोगडेने पहिला चेंडू डॉट टाकला, आणखीन काही जणांनी किक मारली, गाड्यांचा ढुरुम ढुरुम मावायला सुरुवात आवाज यायला सुरुवात झाली, पण दुसरा चेंडू डॉट टाकला राहुल दोगडेने। तिसऱ्या चेंडूवरती विकेट, तीन चेंडू दोन धाबा, खूप मजेशीर असा सामना होता। समोर दिग्गज खेळाडू असताना देखील सामना रंगला होता। आता मैदानामध्ये बघितलं तसं आवाक्या पलीकडचं आव्हान आहे, परंतु क्रिकेटचा खेळ जिथे अनिश्चितता ठासून भरले काही होऊ शकतं। प्रशांत सारखा खेळाडू मैदानामध्ये आहे नंबर 4 वरती बॅटिंग करण्याकरता। रोशन महत्त्वाचा खेळाडू आहे। फिलहाल अगर देखे तो रोहित गेंदबाजी कर रहे हैं चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर। लक्ष्य बहुत बड़ा है, आज बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन जरूर किया, गेंदबाजी करते हुए आज गेंदबाजी भी बहुत अच्छी हुई है। अभी देखिए तो समीकरण क्या है इसके बारे में चर्चा होगी। 14 गेंदों में 60 चाहिए तो दे देना धन, बल्लेबाजी आपको करनी है। क्या प्रशांत क्रेन पर? बिल्कुल इस वक्त प्रशांत अभी भी हैं। टिप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद, उड़ान लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते हुए एफर्ट गेंद थी। 13 गेंदों का खेल चलते, 13 गेंदों में जीत निकले, यहां से और 60 रन चाहिए। लक्ष्य बहुत बड़ा है। भगवा चषक 2022 प्रतियोगिता का ये आज का ग्रैंड फिनल का दिन और जबरदस्त प्रदर्शन बिल्कुल किया गया है आज दोनों तरफ से। अब आप गेंद मिस टाइम ठेकेदारी के अंदर खिलाड़ी मौजूद, ले लिया कैच बल्लेबाज रोशन, बैक टू द पैवल जाते हुए और एक बड़ा झटका इस पर TWJ ग्वागर टीम के लिए। आता या मॅचचा विचार केला तर आपण इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये जर बघितलं तर डिबिलियर्सच्या नावावरती 12 चेंडूमध्ये 49 डबा आहेत, अर्धशतक त्याने नोंदवलं होतं। 12 चेंडूमध्ये 60 डबा या ठिकाणी करायचे आहेत, आव्हानं आहेत। आणि निश्चितच प्रशांतसारखा खेळाडू आहे, मोठी फटके खेळण्यामध्ये वाकबगार। बघूया या मॅचमध्ये ज्या शेवटच्या सत्रामध्ये 12 चेंडूमध्ये या 60 डबा तो करणार का, चॅलेंज असेल। चैलेंज तो बिल्कुल है और इस वक्त प्रशांत डटकर बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी में थोड़ा सा परिवर्तन। गिरीश कोचरकर को दोबारा बुलाया गया है। 16 गेंदों में अभी तक 27 रनों की शानदार पारी बल्लेबाज प्रशांत गरत की और इस वक्त जोरदार अपील, विकेट कीपर से कोई मदद नहीं थी। गिरीश कोचरकर ने एक बार फिर जोरदार अपील की लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। इस अपील को खारिज करते हुए संदीप गायकवाड़, जीतने के लिए अभी भी 60 रनों की जरूरत है। 11 गेंदों का खेल से पहली गेंद फुल लेंथ थी, ब्रॉकल में गेंदबाजी कर रहे हैं। टिप पकाने के बाद उछाल था, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। इस ग्रैंड फिनाले के मुकाबले में शानदार प्रदर्शन फिलहाल आप देख रहे हैं राजेश्वर सुपर किंग का। पहले रन बनाया और उनके पास प्रोफेशनल गेंदबाज है। नहीं, बात नहीं बन पा रही है भाई, आपको छक्के खेलने हैं। सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं? सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं? सामने गिरीश कोचरकर है, मैं छक्का कैसे मारूं? अगर ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, आपको वो बड़े शॉट खेलने होंगे तभी जाकर आप अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। स्टोक का चाय बल्ले के बीचों पर टाइमिंग बन गया, गैप में गए जाते भी
इस वक्त खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन मिलेगा या एक बार फिर गेंद बाउंड्री लाइन के बाद जाते हैं, बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। ये फाइनल का मैच ग्रैंड फिनाले में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन राजेश्वर सुपर किंग के खिलाड़ियों द्वारा। अब दबाव में है इस वक्त टीडब्ल्यूडी ग्वागर की टीम। अच्छी गेंद, बैकपुट खेलने के लिए मजबूर किया, वैसे नौ स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज रन नहीं लेना चाहते हैं। प्रशांत के ऊपर दबाव बनाते हुए खास करके गिरीश कोचरेकर, और 4 ओवर का खेल जो ओवर समाप्त हुए उसके बाद में 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। लक्ष्य से बहुत दूर है इस वक्त खास करके टीम। बेहतरीन गेंदबाज का प्रदर्शन, 6 गेंदों का खेल से और जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत। बेहतरीन प्रदर्शन आज गेंदबाजों द्वारा और नबीतुली गेंदबाजी की। तुषार रंदे में बबलू पाटिल ने प्रभावित किया, आज बबलू पाटिल का शानदार अर्धशतक। क्रांति की तरफ से प्रणव ने प्रभावित किया था, पहले अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बने। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती भी गेंद, बल्लेबाज ज्यादा नहीं समझ पाया, थोड़ी गेंद नीचे भी रही है। 5 गेंदों का खेल से 5 गेंदों में जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत है, तो इसका मतलब जीत की दहलीज पर है राजेश्वर सुपर किंग। तुषार अच्छा स्ट्रोक खेला गया, पीछे वैसे खिलाड़ी है लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं है। स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। अच्छा था, खास करके इसकी निरंतरता की जरूरत, मतलब एक स्ट्रोक से, मतलब इस तरह का शॉट खेलने से बात तो बनने वाली नहीं है। तुषार इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर तो नहीं आई है, बिल्कुल बाहरी के अंदर लगा था। और उसके बाद में अभिजीत दुबे विकेट कीपर है। टिप्पा खाने के बाद उछाल है, अच्छी गेंदबाजी, तो जीत की दहलीज पर इस वक्त राजेश्वर सुपर किंग। चैंपियन का जो इंतजार हो रहा था, 5वां साल है टूर्नामेंट का। टिप्पा खाने के बाद दोबारा कर देंगे तो इस वक्त उछाल बिल्कुल गति परिवर्तन करते हुए तुषार देवे भगवा चषक 2022। अब खेलते हुए एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक, टाइमिंग बन गया, रिवर्स शिफ्ट खेला गया, रत्नात्मक बल्लेबाज गेंद ट्रैवल हो रही बाउंड्री की तरफ लेकिन गेंद को रोक लिया गया है। तो इसी के साथ ये शानदार और दमदार खेल, उसमें कि आप देखिए भगवा चषक 2022 चैंपियन टीम जिनने आज सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उस टीम का नाम है राजेश्वर सुपर किंग मैग्निफिसेंट।